हेलो ऑल वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ़ डिजिटल सिस्टम डिजाइन, द सब्जेक्ट कोड 302 एंड हियर वी आर इन लेक्चर नंबर 43. सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने फिनिश की थी यूनिट नंबर 4 विद प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेज जहां पे हमने सीखा था किसी भी गिवन भूलियन फंक्शन को हम PLA यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे एंड पी एल प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक के थ्रू किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं यहां पे हमारा एंड और लॉजिक एरे था जहां पे हमारा पी के अंदर दोनों ही यूजर प्रोग्रामेबल होते हैं एंड भी एंड और भी बट इन केस ऑफ पी एल एल और गेट हमारा जो होता है वो फ़िक्स्ड हो जाता है एंड गेट जो होता है वो प्रोग्रामेबल रहता है नाउ इस लेक्चर से जो हम बात करने वाले हैं दैट इज यूनिट नंबर फाइव और यूनिट नंबर फाइव में जो मेन टॉपिक है दैट इज माय ए ए टू टू डी डी और कन्वर्टर्स जहां पे हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल टू एनलॉक कन्वर्टर्स जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है डिजिटल टू एनलॉक कन्वर्जन एंड वट इज द वेटेड रजिस्टर डाक कौन वेटेड रजिस्टर डाक के बारे में बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन So as the name defined ADC and DAC these are the short form ADC analog to digital converter and DAC stands for digital to analog converter. So A to D or D to A converters provide the interface basically required between analog and digital system. फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपका डिवाइस एन लॉक इनपुट मांगता है तो अगर आपका कोई डिवाइस है जो कि अनलॉक वोल्टेज पर ही काम कर सकता है सो वॉट आई नीड मुझे उसे अनलॉक वोल्टेज ही देना पड़ेगा चाहे भले ही मेरे पास डिजिटल बैटरी अवेलेबल है सिमिलर केस है अगर जैसे आपके घर में एनालॉग सप्लाई आ रही है और आपके मोबाइल को हमें डिजिटल वैल्यू देनी है डिजिटल वोल्टेज प्रोवाइड करनी है लेस वोल्टेज प्रोवाइड करनी है देन वी नीड सम सॉर्ट ऑफ समर सो डैट वो एनलॉक वोल्टेज डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके या डिजिटल वोल्टेज एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो सके सो so, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को हम क्या बोलते हैं दे आर कॉल्ड

सपोज ट्रांसयूसर तो आप यूज़ कर रहे हो कि आपने मोटर की आरपीएम को कन्वर्ट कर दिया वोल्टेज सिग्नल में लेकिन अब ये वोल्टेज सिग्नल आपके डिजिटल मीटर पर आने हैं तो डाट वोल्टेज सिग्नल मस्ट बी कन्वर्टेड इन टू योर डिजिटल वैल्यू तो यहाँ पे एनलॉक टू डिजिटल कन्वर्जन रिक्वायर्ड है इक्वल एंड डिजिटल उसका क्या होगा सिमिलरली कई जगह हमें डिजिटल को अनलॉक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है सो डाट वाई बी रिक्वायर्ड है डिजिटल टू अनलॉक कन्वर्टर्स एंड एनॉलॉक टू डिजिटल कन्वर्टर्स यही चीज यही हमें कन्वर्टर्स जो है वो इस पूरी में डिस्कस करने हैं तो वन बाय वन हम इनको यहां पे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज डिजिटल टू एनालॉग

तो अगर बात करूं फंक्शनैलिटी की तो कोई नई फंक्शनैलिटी नहीं है हमने जहां से डिजिटल को स्टार्ट किया था वही इसके अंदर आ, क्या कहते हैं फंक्शनैलिटी लगी हुई है क्या फंक्शनैलिटी थी इफ यू रिमेंबर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन तो वही सेम चीज इसके अंदर भी होती है यहां पर जो डिजिटल वैल्यू लगती है डिजिटल क्या होता है जीरो और वन जीरोन इज नाइनरी तो जो भी आप यहां पर बाइनरी बिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट वैल्यू वो वैल्यू यहाँ पे कन्वर्ट होती है किसमें डेसीमल में एंड वो डेमल इक्वल जो आता है दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द स्केलिंग फैक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर डैक यानी कि डैक का एक पर्टिकुलर फैक्टर होगा स्केलिंग फैक्टर होगा जिससे वो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी देन वी गेट दिस एनोलॉग आउटपुट तो अगर मैं फॉर्मले की बात करूं सो तो जो मैं अभी बात बोल रहा था वो ये जनरेट हो मल्टीप्लाई बाय डिजिटल इनपुट जहां पे के क्या है के इज अ स्केलिंग फैक्टर एंड इट्स कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर डार्क पर्टिकुलर डीएससी के लिए आपका के कॉन्स्टेंट रहता है लाइक like अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो हमने माना सपोज के इज इक्वल टू वन

इनटू डेसिमल फॉर्म अब डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया था जी हाँ डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बेस पावर से करते हैं मल्टीप्लाई तो बेस पावर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 0 ठीक है यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 0 यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 1 देन 2 टू पावर 2 देन 2 टू पावर 3 सो 0 2 टू पावर 0 0 2 टू पावर 1 0 2 टू पावर 2 मल्टीप्लाई टू ट्री पॉल थ्री आप इन सबको ऐड कर लीजिए तो व्हाट इज द रिजल्ट रिजल्ट इज एट इन बेस टेन तो कोई भी मेरे पास बाइनरी नंबर है कोई भी डिजिटल इनपुट है दैट डिजिटल इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स डेसिमल

एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं लेट अस कंसीडर व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट आउटपुट ऑफ एन 8 बिट डैक दैट प्रोड्यूसेस वन वोल्ट फॉर द डिजिटल इनपुट दिस वैल्यू यानी कि वो कह रहा है कि एक ऐसा बॉक्स है जो कि 8 बिट डैक है जिसे हम यहाँ पे 8 बिट डीएससी बोल रहे हैं तो यहां पे 8 बिट इनपुट आएगा अब इसके 8 बिट इनपुट में लार्जेस्ट आउटपुट क्या होगा तो लार्जेस्ट आउटपुट का मतलब यहां पे क्या हुआ लार्जेस्ट आउटपुट कब होगा वेन ऑल द बिट्स मस्ट बी इक्वल टू वन जब ये सारा का सारा हाई होगा तभी तो मेरा लार्जेस्ट आउटपुट जनरेट होगा ना तो डैट मीन कि जब इनपुट वन 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 है उस केस में मेरा फाइनली आउटपुट क्या आने वाला है तो आउटपुट किस पे डिपेंड करता है आउटपुट डिपेंड करता है स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डिजिटल इनपुट तो यहां क्या कहीं स्केलिंग फैक्टर दिया है जी नहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट स्केलिंग फैक्टर मेंशन नहीं है तो पहले मुझे स्केलिंग फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा जो कि खुद से वो बता रहा है कि ये एक ऐसा डिवाइस है ये बॉक्स जो है जब मैं इस पर इनपुट जीरो जीरो वन वन जीरो जीरो वन जीरो अप्लाई करता हूं तो इट विल जनरेट वन वोल्ट जनरेट वन वोल्ट से कैलकुलेट करना पड़ेगा तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो आप मल्टीप्लाई जब करेंगे तो जीरो वाला वैल्यू सेवन से मल्टीप्लाई होगा जीरो खत्म हो जाएगा जीरो इंटू टू दिल पावर सिक्स ये भी खत्म हो जाएगा प्लस टू दिल पावर फोर ये बचेगा प्लस जीरो मल्टीप्लीकेशन जीरो पावर वन एंड देन जीरो इंटू टू की पावर जीरो अल्टीमेटली वन इंट की पावर फाइव दट इजी टू प्लस सिक्सटीन प्लस टू एंड बिकम्स फिफ्टी इज माई वैल्यू सो so, फर्स्टली इस नंबर को जो गिवन इनपुट था इस नंबर को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल के अंदर और ये जो नंबर डेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो गया है आउटपुट इज इक्वल टू वन वोल्ट दैट इज इक्वल टू के स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय बाइनरी इनपुट और बाइनरी इनपुट को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया डेसिमल में तो अल्टीमेटली आपकी के की वैल्यू क्या हो गई के की वैल्यू हो गई वन बाय फिफ्टी K की वैल्यू क्या हो गई वन बाय फिफ्टी तो इस तरह से गिवन क्वेश्चन से हमने इस के वैल्यू को कैलकुलेट किया है दैट इज गिवन है इज इक्वल टू वन बाय फिफ्टी इज इक्वल टू पॉइंट जीरो टू वोल्ट अब मैं एक्चुअल फाइनल लार्जेस्ट आउटपुट कैलकुलेट कर सकता हूं जिसके लिए मेरा इनपुट क्या हो जाएगा सारे के सारे वन हो जाएंगे एट वन ओवर हिस्टर और इस एट वन को जो मल्टीप्लाई कर देंगे नाउ आई हैलिंग फैक्टर एंड देन वी गॉट द फाइनल आउटपुट वोल्टेज की मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितनी जनरेट होगी तो अगर आप इन सभी वंस को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे मतलब इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज टू की पावर सेवन प्लस टू की पावर सिक्स प्लस टू की पावर फाइव प्लस टू की पावर फोर प्लस टू पावर थ्री प्लस टू की पावर टू प्लस टू दी पावर वन प्लस टू दी पावर जीरो नंबर बनता है टू की पावर सेवन हो जाएगा आपका कितना टू की पावर सेवन हो जाएगा हमारा दैट इज वन ट्वेंटी एट प्लस टू की पावर सिक्स हो जाएगा सिक्सटी फोर टू की पावर फाइव थर्टी टू देन टू की पावर फोर सिक्सटीन देन एट प्लस फोर प्लस टू प्लस वन यानी कि अगर आप इसे सॉल्व करें तो आठ हज चार बारह बारह और दो चौदह चौदह ऐड करने पे आपको मिलेगा एट प्लस फोर ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन फोर्टीन प्लस सिक्स

वन कर दिया तो भी मैक्सिमम केस में 5.1 वोल्ट ही प्रोड्यूस कर सकता है दैट इज कॉल्ड द डिजिटल टू एनलॉक कन्वर्जन बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमारा डिजिटल टू एनलॉक कैसे कन्वर्ट हो रहा है अल्टीमेटली केवल उस डिजिटल वैल्यू को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई बाय द स्केल फैक्टर तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है इस टाइप का कि आपके पेपर में टू मार्क्स के सेक्शन में स्पेशली ये क्वेश्चन यहां पर हो जाते हैं कि व्हाट विल द आउटपुट फॉर अ पर्टिकुलर गिवन वैल्यू और व्हाट विल बी द लार्जेस्ट आउटपुट ऑफ अ पर्टिकुलर गिवन डाक विच प्रोड्यूस समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर इनपुट मतलब आपको के कहीं ना कहीं गिवन होगा या कैलकुलेट करना होगा सो दिस इज द स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द डिजिटल टू अनलॉक कन्वर्जन अब यही कॉन्सेप्ट हमें यहां पे दो तरीके के हमारे डार्क जो फेमस सर्किट हैं वो यहां पे हमें स्टडी करने हैं द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द वेटेड 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 रजिस्टर रजिस्टर डार्क और इस रजिस्टर की डिसएडवांटेज को रिमूव करके आया था आर्ट आर लेडर नेटवर्क आर्ट लेडर डार्क जो कि आपको दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट दोनों सर्किट हैं जो कि हमें वन बाय वन स्टडी करना है तो अभी हम इस लेक्चर में पहले वेटेड रजिस्टर की बात करेंगे देन इन द नेक्स्ट

जिसका काम क्या होता है एज द नेम डिफाइन एम्पलीफायर तो इसका पर्पज होता है कि आपके इनपुट को एम्पलीफाई करना और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है ऑपरेशनल तो इसका मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स एडिशन है सब है इंटीग्रेशन है डिफ्रेंशिएशन है सारे के सारे ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होते हैं दैट्स वाइट इज कॉल्ड अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इट एम्पलीफाई एज वेल एज परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशन दो इनपुटिव नेगेटिव को हम बोलते हैं इनवर्टिंग नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं इनवर्टिंग एंड पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल सो आपके सिलेबस में क्योंकि यहां पर ओपैम का बहुत ज्यादा रूल नहीं है तो मैं ओपैम के डिस्क्रिप्शन uh, में ज्यादा नहीं जा रहा हूं बस इसे याद रखने के लिए मैंने आपको बताया है कि दिस इज द सिंबल यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे दो इनपुट टर्मिनल आपके यूज होते हैं इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बट इस ओपैम को अभी से अच्छे से देख लीजिए बिकॉज इस पूरी यूनिट में ऑलमोस्ट जो आपका ए टू डी और डी टू ए पार्ट है वो सारा का सारा मैं ओपैम बेस्ड ही बताने वाला हूं ओपैम सर्किट का यूज करके ही सारे के सारे सर्किट बनेंगे नाउ अब अभी तक जो हम ब्लैक बॉक्स देख रहे थे कि ये ब्लैक बॉक्स इस को कन्वर्ट कैसे कर रहा है हमने तो अपना मेथड uh, लगा लिया कि हाँ ठीक है जी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होता है उसे लगा दिया और हमने अपना कन्वर्जन से आंसर कैलकुलेट कर लिया बट इस कन्वर्जन के पीछे अल्टीमेटली क्या होता है कोई ना कोई सर्किट तो वो सर्किट क्या है वो सर्किट है ये ब्लैक ये वो सर्किट है जो कि आपका इस कन्वर्जन के अंदर इस बॉक्स के अंदर बंद है उटपुट साइड स्विच एक तरह से आपको दिख रहे हैं दीज आर switches ठीक है so, सो यहाँ पे क्या होगा अब इसका नाम वेटेड रजिस्टर है तो वेटेड रजिस्टर का मतलब यहाँ पे आप इनपुट ऑपेम्प का जो सर्किट हमने बनाया है ऑपेम्प तो के सर्किट को हम एक तरह से एडर बोलते हैं तो ये जो भी इनिशियल इनपुट साइड पे उसे add -on करने का काम करता है। तो अगर मैं इसके output की बात करूं तो इसका आउटपुट बनता है वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर एफ अपॉन दिस आर एफ अपॉन टू आर मल्टीप्लाई बाय दिस वोल्टेज क्या बनता है आर एफ अपॉन टू आर मल्टीप्लाई बाय वी आर बट अब अगर ये वाली बिट सपोज वन होती है तब तो ये ब्रांच वैलिड होगी तब तो ये ब्रांच वी से कनेक्टेड होगी लेकिन अगर ये ये वाली बिट जीरो हो गई तब ये ब्रांच वी से कनेक्टेड ही नहीं होगी दैट तो मैंने हाँ पे इस B1 को एक वेरिएबल बना दिया मतलब एक तरह से स्विच यहाँ पे मैं कर दिया अगर ये स्विच वन है मीन्स ये स्विच क्लोज है तो आपका ये कनेक्शन मेड होगा अदरवाइज ये स्विच अगर ओपन है बिट अगर जीरो है तो स्विच ओपन हो जाएगा आपका कनेक्शन मेड नहीं होगा तो इसके बेस पे इस बिट को हमने लिखा है ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा अब तक आप सिमेट्री समझ के होंगे टू फोर एट सिक्सटीन तो दैट इज टू की पावर जीरो पावर फोर यानी कि ये हो गया आपका टू की पावर वन टू की पावर वन टू की पावर टू टू की पावर थ्री टू की पावर फोर देन टू की पावर फाइव दैट मीन थर्टी टू आर तो आगे जितना हम बढ़ते जाएंगे उतना ही आपके टू टू पावर में रेजिस्टेंस बढ़ते जाते हैं इट इज कॉल्ड द वेटेड रजिस्टर डार्क और ये इसका आउटपुट है फाइनली तो अगर इस फाइनल आउटपुट को आप देखेंगे तो वी नॉट इज इक्वल टू आर एफ अपॉन टू आर इंटू बी वन प्लस आर एफ अपॉन फोर आर इंटू बी टू आर एफ अपॉन एट आर इंटू बी थ्री प्लस आर एफ अपॉन सिक्स आर बी फोर एंड दिस बी वन इज कॉल्ड एम एस बी ये जो बी वन है यहाँ पे ये है आपकी एमएस बी बिट एंड दिस बी फोर इज रेफरेंस एज एल एस बी पिट दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें इस डायग्राम में याद रखना है Now, अगर मैं यहां पर आर एफ और आर को इक्वाइज मान लू कि ये रेजिस्टेंस और यहां पर जो रेजिटेंस है उसकी वैल्यू इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस फॉमुला आर एफ अपॉन आर सब में कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल सिंपली बिहेव लाइक माइनस वन बाई टू यानी बी वन बाई टू प्लस बी टू बाई फोर प्लस बी थ्री बाय एट प्लस बी फोर बाय सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई वी आर वी आर स्टैंड फॉर फाइव फोर्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास फॉर्मुला बन के आ जाता है कि वेटेड रजिस्टर्ड डाक अगर आपको पूछा जा रहा है तो पहले तो इसमें प्रोसेस क्या है प्रोसेस का मतलब डिजिटल टू तो अनलॉक कन्वर्टर है क्या और जब आप उसे एक्सप्लेन कर लेंगे तब आप इस सर्किट को यहां पे बना सकते हैं एंड द आउटपुट फॉर दिस सर्किट इज गिवन एज बाय दिस फॉर्मूला ओके आप डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं जैसे कि यहां पे लिखा है फाइंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर द फोर बिट बाइनरी इनपुट वन जीरो वन जीरो विद आर एफ इज इक्वल टू आर तो जो हम स्केलिंग फैक्टर की बात कर रहे थे अगर मैं क्वेश्चन में डिफरेंस क्रिएट करूं तो हम पहले क्या बात कर रहे थे के इज द स्केलिंग फैक्टर तो वो स्केलिंग फैक्टर है जो यहां पे एक ये एक तरह से वन बाय टू प्लस वन बायर प्लस वन स्केलिंग फैक्टर इनबिल्ट हो गया सो नाउ इफ द क्वेश्चन इज गिवन फाइंड द आउटपुट वोल्टेज फॉर द फोर बिट बाइनरी इनपुट वन जीरो वन जीरो विद आर एफ इक्वल टू आर तो आर एफ इज इक्वल टू आर से मुझे पता चल गया कि मुझे क्या यूज करना है वेटेड रजिस्टर्ड डार्क देन वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ये फॉर्मुला आपको कैलकुलेट करना है फॉर्मुला याद रखना है इस फॉर्मुले को आपने पुट किया देन बी वन बी वन इज द एम एस बी तो एम एस बी कितना है वन तो दिस इज माई बी वन दिस इज माई बी टू दिस माई बी थ्री एंड दिस इज माई बी फोर वैल्यू पुट करनी है कैलकुलेट द रिजल्ट गेट द आंसर वी नॉट की वैल्यू फाइनली दिस गिव्स कि जब इनपुट 1010 होगा देन इट विल गिव्स माइनस थ्री पॉइंट वोल्ट तो जो यहां पे स्केलिंग फैक्टर था जिसकी हमने बात की थी पहले स्केलिंग फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं वो स्केलिंग फैक्टर इसमें इनबिल्ट हो गया इन दिस फॉर्मूला इट तो यहां मुझे कोई डबल कैलकुलेशन नहीं करनी है डायरेक्टली वेटेड रजिस्टर डार्क का मतलब है कि वो आपको किस स्केल के ऊपर आउटपुट वोल्टेज कंप्यूट करके दे रहा है एंड दिस सर्किट इज फिक्स्ड ये सर्किट कभी चेंज नहीं होता है Okay, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा इसी के साथ अगर मैं आपको बोलूं कि एन बिट का आपके आ जाता है। जैसे ये तो देखना चाहते हैं तो ये मैंने यहां पर टू की पावर बढ़ाते जाइए तो जो लास्ट बिट होगी वो बी एन होगी तो यहाँ पे हो जाएगा टू की पावर एन और रेजोल्यूशन भी एक टर्म होती है दैट रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन इज इक्वल टू अपॉन की पावर न, तो resolution आपको शो करता है कि एक सिंगल बिट का चेंज होने पर जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इनपुट चार बिट का है और ये है वन जीरो जीरो वन अगर मैं कहता हूं इसमें हो जाता है वन जीरो वन जीरो नाइन से टेन का चेंज हो रहा है यानी वन बिट चेंज होने से आउटपुट साइड पर मिनिमम कितनी वोल्टेज चेंज होने वाली है उस चीज को हम बोलते हैं रेजोल्यूशन ठीक है वन बिट चेंज होने पे आउटपुट साइड पे कितनी वोल्टेज चेंज होने वाली है डॉट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन जैसे अगर मैंने बोला मेरा इनपुट वोल्टेज फाइव वोल्ट का है और हम उसे थ्री बिट डार्क में कन्वर्ट कर रहे हैं थ्री बिट डार्क ठीक तो थ्री बिट डार्क का मतलब क्या हो गया टू की पावर थ्री यानी फाइव बाई एट फाइव बाई एट का मतलब हो गया पॉइंट सिक्स फोर एट सिक्स एट ट्वेंटी तो एट टू जॉ सिक्स और फोर्टी पॉइंट सिक्स टू फाइव तो पॉइंट सिक्स टू फाइव वोल्टेज जो होगी वो एक पर्टिकुलर बिट के चेंज होने पे आउटपुट साइड पे 0.625 का चेंज मिलेगा इसका मतलब ये होता है दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन सो आई होप आफ्टर दिस लेक्चर यू कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल टू अनलॉक कन्वर्जन की कॉन्सेप्ट क्या है डिजिटल को अनलॉक में कैसे कन्वर्ट करते हैं और अगर आपसे वेटेड रजिस्टर डॉक्ट के बारे में पूछा जा रहा है देन यू कैन इजली डिफाइन द सर्किट मतलब ड्रॉ द सर्किट एंड देन एक्सप्लेन इट्स आउटपुट वैल्यू कि हम आउटपुट को कैसे कैलकुलेट करते हैं आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने आंसर के साथ जिससे कि आपको और अच्छे से इसको लिख सकते हैं तो इस लेक्चर में यहीं तक नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डी हम स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड आर टू आर लर्डन नेटवर्क क्या इसकी प्रॉब्लम थी और आर टू आर क्यों डेवलप हुआ है दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर तो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर तब तक के लिए थैंक यू